दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में माई ग्लिम एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो गाइज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, माई ग्लिम एप्लीकेशन को यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको ओपन की जगह अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर कोई अपडेट वगैरह आ जाता है, उसकी वजह से भी अपनी जो मोबाइल की एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो पाती है। तो गाइज यहाँ से अपडेट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन होने लग जाएगी। और दोस्तों अपडेट करने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं हो पाती है, तो दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर या ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन रहेगी वो सभी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, माई ग्लिम एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर देना है। और दोस्तों यहां से आप ऊपर की साइड में माई ग्लिम एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हो। तो गाइस यहां पर मैंने माई ग्लिम एप्लीकेशन सर्च कर दी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन का फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको स्टोरेज एंड चेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर के साइड में क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके जो एप्लीकेशन का डेटा है वो सभी यहां से डिलीट हो चुका है। तो गाइस आपकी जो एप्लीकेशन अब ओपन होने लग जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप माई ग्लिम एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है उसकी प्रॉब्लम को ऐसे फिक्स कर सकते हो।